आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, सदियों याद रही, भूला नहीं कोई, बचपन में सुनी दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानी। हाँ, तू मेरी सेवा करती, जोर से दबा, जोर से दबा। दादाजी, दादाजी, कहानी दिन को कहानी, कौन सी कहानी? वही राजा और मंत्री की। हाय हाय, तुम लोग कहाँ भागी जा रही हो? दादाजी ने कहानी शुरू कर दी। कहानी शुरू कर दी? छन्न पकैया, छन्न पकैया, छन्न के ऊपर बाजा, और बुद्धू मंत्री गोबू चंद और होबू चंद उल्लू राजा। ठहरो ठहरो, मैं भी आ रही हूँ कहानी सुनने। बैठो बैठो बच्चों की दादी माँ, सुनो कहानी। तो कहानी है उल्लू राजा होबू चंद्र और बुद्धू मंत्री गोबू चंद्र की। ये दोनों के दोनों नंबर एक बुद्धू। हाँ। राजा क्या करता था, अपने महल के बाहर घूमता रहता था। हाँ। और उसका मंत्री गोबू चंद्र उसके पीछे 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 पीछे। मंत्री गोबू चंद, महाराज गोबू चंद, हम यहाँ क्यों टहल रहे हैं? इसलिए महाराज कि आपकी नजर चारों तरफ रहे और आपका ये राजपाट कोई चुरा कर न ले जाए। बिल्कुल ठीक। मंत्री गोबू चंद, महाराज गोबू चंद, तुमने ये कान में रुई क्यों लगा रखी है? इसलिए महाराज कि आपकी कही हुई बातें मेरे इस कान से दाखिल होकर इस कान से बाहर ना निकल जाए, इसलिए। बहुत अच्छे, तुम बड़े बुद्धिमान हो। महाराज, रात को सोते वक्त तो मैं दोनों कानों में रुइयां रख लेता हूँ। क्यों? वो इसलिए महाराज कि कहीं हमारी बुद्धि हमारे दोनों कानों से बाहर ना निकल जाए, इसलिए। तुम बड़े बुद्धिमान हो। शराब मंत्री हो पैसा। महामंत्री, ये कौन सा जानवर है? सर्वनाश, ये तो महाराज का हाथी है। महाराज हाथी? मगर हमारा हाथी तो बहुत बड़ा बहुत ऊंचा है, इसकी सूंड कहाँ है? क्या बताऊं महाराज, ये महावत हाथी के चारे चुरा कर खा जाता है और बेचारा हाथी भूख के मारे सिकुड़ गया है। महाराज, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई उपाय बताओ। उपाय है महाराज। क्या? नया महावत रखा जाए और इस महावत को नए महावत के सामने फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने महामंत्री। नया महावत चोरी की चुरक नहीं करेगा। महाराज, हम कोतवाल को बुलाते हैं। कोतवाल। महाराज, पहले तुम अपनी खुली हुई तलवार को मैन में डालो। महाराज, हाँ कोतवाल, तुम्हारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हम तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करते हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। तुम्हें मालूम नहीं हमारा पुराना मावत हाथी का चारा चुराता है? मालूम नहीं। कैसे मालूम होगा? ऐसा करो, पुराने महावत को निकाल कर नया महावत रखो और उस पुराने महावत को फांसी पर अभी चढ़ाओ। जो को महाराज। ठहरो। जी महाराज। ये देखना, हाथी का चारा दुगना हो जाए और उसका वजन बढ़े। महावत का नहीं। जो को महाराज। जाओ। जी। देखा महामंत्री, हमारा न्याय कितना है। बिल्कुल महाराज। ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज के न्याय से खुश होकर हाथी चिल्ला रहा है। महाराज होबू चंद्र की जय। महाराज होबू चंद्र की जय। दोनों इतने बुद्धू थे कि हाथी और सुअर में कुछ फर्क
भी नहीं समझे। बिल्कुल इतने ही बुद्धू थे। एक और दिन की बात है, राजा जा रहा था अपने महल के पास, तो उसी सुअर को देखा, कहा कि यह हाथी अभी तक मोटा क्यों नहीं हुआ। तो मंत्री ने कहा यह हाथी नहीं चूहा है, आपके रसोई घर का खाना खा करके मोटा हो गया। बोले ऐसी बात है। तो राजा ने एकदम हुक्म दिया कि रसोईया को बिल्कुल यही। एक और दिन की बात है कि कुछ परदेसी लोग महल के पास जो तालाब था वहां पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने खाना बनाने के लिए तो चूल्हा बनाना चाहा तो मिट्टी खोदने लगे। मंत्री गोबूचंद। महाराज गोबूचंद, इधर देखो ये लोग तालाब के किनारे क्या कर रहे हैं। महाराज सर्वनाश, ये लोग तो सेंध लगा रहे हैं। सेंध लगा रहे हैं क्योंकि राजमहल चुराने चाहते हैं। नहीं महाराज, मुझे लगता है ये लोग तालाब चुराना चाह रहे हैं। तालाब चुराना चाहते दिन दोपहर हमारे आंखों के सामने। ठहरो, मैं इनका इंतजाम करता हूँ। कोतवाल, कोतवाल, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। अरे महाराज, तलवार पहले अपनी मैन में डालो। जी महाराज। वो उन दो आदमियों को पकड़ लो और फांसी पे चढ़ा दो। जो को महाराज। हाँ। जाओ फिर। जी मंत्री जी, आप ही जाइए। ए रुको। जी हम भी आ रहे हैं। आइए। तालाब चुराने आए हैं, देख लूंगा कैसे तालाब चुराते हैं। मंत्री गोबूचंद आ गए। सबको फांसी पे लटका दिया। हाँ महाराज, महाराज आप धन्य हैं, आप ही तो है जिसकी वजह से ये सारा राजपाट बच गया। वरना आज तालाब जाता, कल राजमहल जाता और परसों पूरा राजपाट चला जाता। बराबर बराबर है मंत्री गोबूचंद। आपकी बहुत बुद्धि खर्च हो गई, इसलिए दोनों कानों में रुई डाल दो और सो जाओ ताकि बाकी की बुद्धि बची रहे। मेरे काम फिर बाद में आएगी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। दादाजी उस बुद्धू राजे का क्या हुआ? वही बताता हूँ। एक दिन उस अंधेर नगरी में एक साधु आए अपने चेले के साथ। तो उसने बाजार में देखा कि टक्के शेर भाजी, टक्के शेर खाजा, यानी दो पैसे से तरकारी और दो पैसे से मिठाई भी। उसने कहा कि वो लोग तो बड़े हैरान हो गए कि ये कैसा देश है। टक्के शेर, 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 टक्के शेर। गुरुदेव, हम लोग कहीं स्वर्ग लोक में तो नहीं पहुंचे? क्यों, क्या हुआ? देखिए ना, राजा होबूचंद महाराज के राज में हर चीज टके में मिलती है, जितनी चाहे ले लो। कहीं हम अंधेर नगरी तो नहीं पहुंच गए? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। बेटा ये टोकरी यहीं छोड़ दो, हम अभी यहाँ से निकल चलते हैं। यहाँ किसी मूर्ख का राज है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। नहीं महाराज, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए ना, यहाँ हर चीज मिलती है, हर किस्म का सुख है। मैं ये स्वर्ग छोड़ के जाना नहीं चाहता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी दिन इन उल्लुओं के चक्कर में फंस गए तो ये लो, इस पे हाथ फेरते हुए मुझे याद करना, मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए प्रकट हो जाऊंगा। जी महाराज। गुरु तो बेचारा चला गया और चेला खाते 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 और भी मोटा हो गया। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वो राजा सो रहा था। महाराज, महाराज उठिए। महाराज सूर्योदय हो गया। सूर्योदय हो गया कहाँ? आपकी पीठ के पीछे। हमारे पीठ के पीछे सूर्योदय क्यों हुआ? सूर्योदय तो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। महाराज, महाराज उठिए, सूर्योदय हो गया। महाराज मंत्री गोबीचंद। महाराज होबूचंद, एक समस्या। समस्या? ये सूर्योदय हमारे पीठ के पीछे क्यों होता है? इसे तो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, इसमें जरूर कोई चाल है। ऐसा कीजिए,
राजगीर को बुलाइए और इस कमरे को तोड़वाकर घुमा दीजिए ताकि सूर्योदय हमारी आंखों के सामने होता रहे। महाराज, एक कमरा घुमाने के लिए सारा राजमहल तोड़ना पड़ेगा। महाराज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कल से सूर्य इनकी आंखों के सामने उदय होंगे। जो हुकुम महारानी। सच कह रही महारानी? जी हाँ महाराज, सूर्योदय हमारी आंखों के सामने होंगे। फिर रानी ने नौकरों को बुलाकर राजा के पलंग को ऐसा घुमा दिया कि सुबह सूर्योदय राजा की आंखों के सामने हुआ। महाराज उठिए, महाराज देखिए सूर्योदय आज आपकी आंखों के सामने हुआ है। नहीं, ये कैसे संभव हुआ महारानी? महाराज मैं जादू जानती हूँ। सच, तुम जादू जानती हो? जी महाराज। प्रणाम महाराज। मंत्री गोबुचर महाराज, जानते हो आज असंभव संभव हो गया। मैं समझा नहीं महाराज। आज सूर्य देव हमारे पीठ के पीछे से नहीं बल्कि सामने से उदय हुए। लेकिन ये कैसे हो गया महाराज? महारानी ने किया, वो जादू जानती है। जादू? हाँ, उन्होंने तो बताया। सर्वनाश महाराज, अगर उसने अपने जादू के जोर से आपको गधा बना दिया तो राजपाट का क्या होगा? गधा? हाँ महाराज, सोचिए महाराज, हो गया आप गधा बन गए। आप गधा बन गए। नहीं, मैं गधा नहीं बनूंगा, गधा नहीं बनूंगा। मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। कोतवाल, कोतवाल महाराज, तलवार म्यान में डालो। हमारा हुक्म है जी महाराज, महारानी को राजमहल से निकालकर जंगल में छोड़ा जाओ। तो आप क्या महाराज? महामंत्री गोबूचंद। महाराज गोबूचंद, तुम्हारी बुद्धि ने हमें गधा होने से बचा लिया। हम तुम्हारे बड़े आभारी। बहुत खुश है। सुनो, तुम दोनों कानों में उन्हें डाल लो ताकि तुम्हारी बुद्धि खर्च न हो और सो जाओ। एक दिन राजा हबूचंद्र के राज में एक चोर एक महाजन के यहाँ चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर अंदर जा रहा था कि दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी और वो चोर मर गया। मंत्री गोबूचंद। महाराज गोबूचंद, ये आदमी आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? क्योंकि ये मर गया है महाराज। तो क्या मरने के बाद महाराज होबूचंद की आज्ञा से भी आंखें नहीं खोलेगा? नहीं महाराज, जो मर जाते हैं वो आंखें नहीं खोलते। मगर ये चोर मरा कैसे? दीवार गिरने से महाराज। किसकी दीवार गिरने से? गिरधर महाजन की दीवार गिरने से महाराज। गिरधर महाजन की दीवार गिरने से? कोतवाल, कोतवाल जी महाराज। तुम अपनी तलवार को मैन में डालो। जी महाराज। गिरधर महाजन को हाजिर करो हमारे सामने, अभी जाओ, अभी हाजिर करो। जो आ गया महाराज। मंत्री गोबूचंद, महाराज मैं निर्दोष हूँ महाराज। निर्दोष? तुमने इतनी कच्ची दीवार बनाई थी जो गिर गई और ये चोर मर गया। मैंने दीवार नहीं बनाई महाराज, वो तो मनोहर राजगीर ने बनाई थी। मैंने तो उसे पक्की दीवार बनाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन शायद उसे कच्ची ही खड़ी कर दी। कच्ची? कच्ची महाराज। अच्छा, कोतवाल, कोतवाल मनोहर राजगीर को हमारे सामने पेश करो। पेश करो। जो आज महाराज। तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ। झूठ भी बोल सकता है महाराज। मेरा कोई अपराध नहीं है महाराज, मैंने बराबर लिपाई पुताई की थी, लेकिन भट्टे का मालिक घासी राम शायद ईंटें पकाए ही नहीं, कच्चे ईंटें भरा दिया मुझे। कच्ची? महाराज फिर कच्ची? कच्ची? कोतवाल, कोतवाल जी महाराज। घासी राम भट्टे वाले को हमारे सामने पेश करो। पेश करो। जो आज्ञा महाराज। ए, 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 तुम कहाँ चले? यहाँ खड़े रहो साक्षी के लिए। महाराज मैं तो ऐसी बेईमानी कभी नहीं कर सकता महाराज। मैंने तो मिट्टी को बराबर गूंदा, सांचे में बराबर ढाला और भट्टी में बराबर पकाया, मगर शायद मोटे राम लकड़हारे ने मुझे कच्ची लकड़ी दे दी हो महाराज। फिर कच्ची? महाराज मुझे ये आदमी निर्दोष लगता है। हम मोटे राम लकड़हारे को कभी नहीं छोड़ेंगे।
कोतवाल, कोतवाल। जी महाराज। मोटे राम लक्कड़हारे को हमारे सामने पेश करो। पेश करो। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ पे खड़े रहो, तुम ईमानदार आदमी हो, कहाँ जा रहे हो? जाओ नजदीक में आ। महाराज, ये रहा मोटू राम लक्कड़हारा। क्यों रे मोटू राम लक्कड़हारे, तूने भट्टे वाले को कच्ची लकड़ियां दी? कच्ची? मंत्री गोबूचंद। महाराज गोबूचंद। ये आदमी डर रहा है। हाँ महाराज, यही दोषी है, क्योंकि इसने कच्ची लकड़ी दी, और जब कच्ची लकड़ी दी तो कच्ची ईंट बनी, और जब कच्ची ईंट बनी तो कच्ची दीवार बनी, और जब कच्ची दीवार बनी तो कचकचा के ये दी, जिससे ये कच्चा चोर मर गया। इतना बड़ा षड्यंत्र, हमारा अन्याय है। कल सुबह चौराहे पर इसे फांसी पर लटका दो। महाराज गोबूचंद की जय। महाराज गोबूचंद की जय। महाराज गोबूचंद की जय। क्या देखा जल्लाद, तुमने अभी तक फांसी क्यों नहीं लगाई? महाराज इसकी गर्दन बहुत पतली है। महाराज छोटा फंदा लगाते? ये सबसे छोटा फंदा है महाराज। तो फिर दूसरा फंदा बनाओ। नहीं महाराज, दूसरा फंदा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कहा था कि इससे पतली गर्दन वाले को फांसी पे लटकाना पाप। हम अपने पिताजी के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन अपना न्याय भी रखेंगे। कोतवाल, कोतवाल, इस पतली गर्दन वाले को छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए? मोटी गर्दन वाले को लाया जाए और उसे फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी पर लटका दिया जाए? क्यों है क्या महाराज? चलो। कहाँ? महाराजा हमूचंद ने तुमको याद किया है, चलो। कोतवाल, तुम अपनी तलवार म्यान में डालो। यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, इसकी गर्दन मोटी है। जल्लाद, इसे फांसी पर लटका दो। जी महाराज। मैं, परंतु मेरा दोष क्या है? दोष तो इसका है, लेकिन इसकी गर्दन इतनी पतली है कि फांसी के फंदे में नहीं आ रही है। तुम्हारी गर्दन बराबर है। नहीं, जल्लाद देखते क्या हो? इसको फांसी पर लटका दो। जो आ गया सरकार। महाराज, पहले इसकी अंतिम इच्छा तो पूछ लीजिए। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा भी? हाँ, मैं एकांत में अपने गुरु का स्मरण करना चाहता हूँ। गुरु का स्मरण? जल्लाद, इसके गुरु का स्मरण हो जाए फिर इसको फांसी में चढ़ा दो। जो आज्ञा सरकार। कोतवाल, कोतवाल, इसे फौरन ले जाओ। इसे फौरन ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ, चलो। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव, गुरुदेव मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए, गुरुदेव, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव, 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 गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, गुरुदेव मैंने आपका कहा नहीं माना, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। क्यों, क्या हुआ? गुरुदेव ये लोग मुझे फांसी पे लटका रहे। क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरी गर्दन मोटी है बस। है? गुरुदेव, गुरुदेव कुछ उपाय कीजिए, गुरुदेव मेरी गर्दन पतली कर दीजिए। डरो नहीं, हम उपाय करते हैं, जो हम कहे वही तुम करना। नहीं, हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं गुरुदेव, मुझे चढ़ने दीजिए, देखिए मेरी गर्दन मोटी है, वो पंदा पोंडा, मैं चढ़ूंगा पहले। तुम इस समय का महत्व नहीं जानते। नहीं गुरुदेव, गुरुदेव मुझे चढ़ने दीजिए, देखिए गर्दन मोटी है, पंदा मोटा है, लगा। महाराज इसे रहने दीजिए, हमें चढ़ने दीजिए फांसी पर। लेकिन तुम क्यों फांसी पर लटकना चाहते हो? महाराज इस समय इस स्थान पर जो भी फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग लोक का राज्य मिलेगा। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इस समय हमें फांसी पर चढ़ाया जाए। इसी दिन के लिए तो हमने घोर तपस्या की है महाराज। घोर तपस्या? महामंत्री गोबूचंद। महाराज गोबूचंद। क्या स्वर्ग नगरी हमारे अंधेर नगरी से भी बड़ा है? हाँ महाराज, वहाँ तो अप्सराएं नाचती हैं, मदिरा पान होता है, ऐशी ऐश होता है महाराज, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले होते हैं, सारा वातावरण सुगंधित होता है महाराज, अप्सराएं गुलाब के जल से पुतन मलमल कर नहलाती हैं महाराज। जब हम चाहें तैर सकते हैं, जब हम चाहें निकल सकते हैं, जब हम चाहें उठ सकते हैं, जब हम चाहें बैठ सकते हैं, जब चाहें लेट भी सकते हैं महाराज। महाराज वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं और दूध बिना शक्कर के मीठा होता है। तो हम स्वर्ग लोग जाएंगे। महाराज, महाराज जल्दी कीजिए, समय निकला जा रहा है। जल्लाद हमें फांसी पर लटका दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज गोबूचंद,
मंत्री गोबूचंद, हम भी इस स्वर्ग लोक जाएंगे। मंत्री गोबूचंद, महाराज गोबूचंद्र देख नहीं रहे हो, फंदा छोटा, हम कैसे इस पे जाएंगे? नहीं नहीं, हम दोनों की गर्दन के लिए बराबर है। ऐसा तो चलो हम साथ चलते, जल्लाद हमें फांसी पे चला दो। महाराज जल्दी कीजिए। अंधेर नगरी के वासियों, अपने महाराजा के अंतिम दर्शन कर लो, स्वर्ग जा रहा है, आज स्वर्ग जा रहा है। महाराज बाबू चंदन की, तो फिर राजा और मंत्री दोनों फांसी पर चढ़ गए और गुरु अपने चेलों को लेके उस नगरी से निकल गया। तो फिर छन्न पकैया के ऊपर हार, और बेवकूफ के दोस्ती से होता बंटा ढार, और बुद्धिमान के दोस्ती से होता बेड़ा पार। तो बच्चों याद रखो, जब दोस्ती करो तो बुद्धिमान से करो, क्योंकि कहावत है कि बेवकूफ दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा। अरे ये कहानी मुझे मेरी शादी से पहले क्यों नहीं बताया? तो देखते रहें दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें।